हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ टेस्ट ड्राइव। और ये पहला एपिसोड है, जैसे मैंने बताया, टेस्ट ड्राइव का। और यहाँ पे मैं आपको और हमारी पूरी टीम आपको जो है वो रूबरू करवाएगी नए नए व्हीकल्स के साथ। और हमारे साथ इस वक्त हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है प्रत्युष बासु और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जी जी, एमओ कंपनी का है, ठीक है। मॉडल का नाम है जॉन्टी जॉन्टी जॉन्टी, अच्छा ठीक है। इसका बहुत ही अफोर्डेबल बजट का अच्छा अच्छा स्कूटी है, ठीक है। इसका डिज़ाइन, लुक, सब कुछ एकदम ओके। मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है या फिर पेट्रोल है, दूर से, ठीक है। कब लिया था आपने ये इसको? इस एक साल हो गया, अराउंड अच्छा एक साल हो गए या अराउंड वन ईयर। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि आपने ये स्कूटी क्यों ली? देखिए, मुझे तो ट्रैवल, मतलब मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मुझे घर से कॉलेज, इसके लिए मुझे एक स्कूटी चाहिए था जी। तो हम लोग पहले तो सोच रहे थे कि पेट्रोल स्कूटी, लेकिन फिर उसका देखा कि पेट्रोल स्कूटी का इलेक्ट्रिक स्कूटी से ज़्यादा एक्सपेंस है। अच्छा, क्योंकि पेट्रोल का दाम है, ठीक है। अच्छा, और ठीक ये है। उसका हाफ बजट में होता है, मतलब जी, पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए सोचा फिर। अच्छा, वेरी नाइस। और कब लिया आपने ये? वही अराउंड लास्ट ईयर को लिया था, अराउंड दिस टाइम जी। अच्छा, ये बताइए कंफर्ट के बारे में, कंफर्टेबल है ये गाड़ी? हाँ, कंफर्टेबल है, लाइक बैठने में कंफर्टेबल है, ठीक है। और देख ही सकते हैं सामने इतना स्पेस है पैर रखने के लिए भी, ठीक है। तो कंफर्टेबल है, हल्का अच्छा, भी है गाड़ी बहुत। अच्छा, तो हाँ कंफर्टेबल है। तो अनिल सर, आपके क्या क्या सवाल हैं, ज़रा पूछना शुरू करें आप भी अपने साथ। जी, पूछिए सवाल, पूछिए। ऐसे भी लगा दीजिए, बहुत बढ़िया, पूछिए। अच्छा, ये आप जनरली इसको कैसे राइड करते हैं, आपका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसे कैसा है? तो आप ज़्यादा सिटी में चलाते हैं या हाईवे में ड्राइव करते हैं, कैसा है रहता है आपका एक्सपीरियंस? देखिए, मैं सिटी में और हाईवे में दोनों में ही ड्राइव करता हूँ, ठीक है, और ऑफ रोड भी करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सिटी और हाईवे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हाँ। तो लेकिन ऑफ रोड में बहुत थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इसका टायर छोटा है, ठीक है, तो हाइट छोटा है। अच्छा, तो अगर एक ऑडियंस को हम दिखा दे टायर के सेंटीमीटर, आई थिंक ये 10 के प्रोफाइल लग रहे हैं। हाँ हाँ, ये उसका ही है, सबसे जो छोटा है उसका है, इसका 10 इंच वाली प्रोफाइल है। क्योंकि ये, क्योंकि आजकल लगभग सारे स्कूटर में 11-12 के लग जाते हैं, हाँ, ये 10 इंच के हाँ, लेकिन इसके ऊपर वाला मॉडल में बड़ा मिल जा रहा था। अच्छा, लेकिन इसमें छोटा है। और ये ट्यूबलेस में आया था, ठीक है। अच्छा, ट्यूबलेस में आया था, ये बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने, ट्यूबलेस है तो एक्चुअली एक कम्फर्ट है। पर आपने क्या, ये आपका ये डिस्क वेरियंट है या फिर ये ड्रम है? नहीं, डिस्क है सामने, पीछे ड्रम है। अच्छा, और तो ये आगे का डिस्क है, हाँ, ऑडियंस को बताया है, हाँ, और पीछे का ड्रम है, हाँ। इसके जो ऊपर वाली वेरिएंट है वो आपको दोनों? नहीं, उसमें भी सामने डिस्क है, पीछे ड्रम है। अच्छा, दोनों में सेम ही रहेगा, हाँ, हाँ। लेकिन आपको, अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप जैसे ऑफ रोडिंग करते थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ये थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का चक्कर, हाँ, पड़ जाता है कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, तो इससे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में, ऑफ रोडिंग में। और वैसे हाई सिटी में भी दिक्कत होता है, जब कोई बम्पर वम्पर आता है ना, तो उसमें भी बहुत दिक्कत होता है कि कभी कभी। अच्छा, लग जाता है। एक चीज़ ऑडियंस को जानना चाहिए, अगर जैसे आप काफ़ी तेजी से गाड़ी चलाते हैं सिटी के अंदर और बम्पर आ जाए, तो बम्पर में लगने के चांसेस है, तो आपको बम्पर में थोड़ा स्लो करना पड़ेगा इस गाड़ी को, नहीं तो काफ़ी नीचे गाड़ी की टक्कर लग सकती है। अच्छा, तो ये एक इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप और एक चीज़ जानना चाहेंगे जो आपने बता, मतलब आपसे कि ये, कि आप तो, हम लोग हमेशा सिटी और हाईवे में रहते, कभी कभी ऊंचाइयों में, चढ़ाइयों में, हाँ, और हिल राइडिंग भी होता है, वही प्रॉब्लम है कि स्कूटी में आप हिल राइडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, क्या आपने ट्राई किया है इस चीज़ को? नहीं, ट्राई नहीं किया, लेकिन इट्स अ वेरी बेसिक नॉलेज कि देखिए, इसका दम नहीं है बैटरी में, अगर मैं जा सकता हूँ, ठीक है, कुछ देर तक जाएगा, लेकिन वही है ना कि बैटरी लाइफ कम हो जाएगा उसका फिर। अच्छा, मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड, हाईली नॉट रिकमेंडेड। आपने जो मैक्सिमम चलाई, आपने जो इंक्लिनेशन चलाई, कितने में चलाई, जो सिटीज के अंदर? सिटी हाईवे ऑफ रोड किया, मैंने हिल लेके नहीं गया, क्योंकि पता है कि लेके जाऊंगा तो इसका नहीं होगा। अच्छा अच्छा, एक स्ट्रेच में आपने सबसे लंबा जो राइड किया वो कितना हो सकता है? लंबा क्या है, कितना हो सकता है वो, 10-15 किलोमीटर। अच्छा, तो डेली एवरेज आपका ये रहता है कि इससे कम रहता है? डेली एवरेज तो इससे कम है, डेली एवरेज मेरा लाइक मैं सिलीगुड़ी से सिटी सेंटर तक आता हूँ और जाता भी हूँ, तो एक दिन में 2 बार, तो वैसे हाँ डेली 15-13 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये 15। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं हम इस वीडियो का, जैसे कि इस गाड़ी की, जैसे देखिए आप ये कॉन्सोल दिखा रहा है, देख सकते हैं। अच्छा, ये पूरा डिजिटल है, डिजिटल है। ओह, बहुत बढ़िया है ये, बिल्कुल एक आपको डिजिटल फील देता है इसमें।
जैसे हम लोग जैसे फ्यूल इकोनॉमी है, आई थिंक सो ये चार्ज बताता है आपका। हाँ हाँ ये चार्ज है, ये पार्किंग में है इसलिए पी दिखा रहा है। अच्छा। okay. जब पार्किंग में रहेगा तब गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा। और इसका सेंसर भी है कि वो जो स्टैंड है वो जब तक नीचे रहेगा इसका पार्किंग ही दिखाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी फीचर है, सेफ्टी फीचर है इसमें। फिर आपका चाइल्ड लॉक भी मिलता है। ओके। ठीक है। और ये गियर चेंज भी है, लाइट्स वगैरह तो है। ठीक है। ये दो मेन मेन फीचर है। रिवर्स नहीं मिलता इसमें। अच्छा, ये गियर चेंज वाला चीज़ क्या है, कुछ नया लग रहा है सुनने में। हाँ, गियर चेंज ये है कि इसमें तीन गियर है। ठीक है, इधर थोड़ा देखिएगा। देखिए, अभी दो में है। ठीक है, अभी तीन हो गया। हाँ। अभी वन हो गया। ये गियर है। ठीक है, ये डिफरेंस गियर है। गियर में स्पीड होता है आपका। हाँ। और आप जितना गियर ऊपर लेके जाएंगे स्पीड तो बढ़ेगा उसमें, लेकिन आपका माइलेज कम हो जाएगा। ओ, तो इसमें भी माइलेज अगर देखा जाए ऑडियंस, तो ये तेल के माइलेज के बारे में नहीं कर रही, ये बैटरी का है। बैटरी माइलेज ये इतना चला है अभी तक हमारा। 4581 चला है अभी भी। 4581 मोस्ट प्रॉब्ली ये गाड़ी तो ठीक लग रही है मुझे, लेकिन मेन चीज जब ये पता है कि ये बैटरी का गाड़ी है, राइट? तो अभी ये बैटरी कितना बैकअप लेता है? बैकअप ऐसे बैकअप सपोज एक बार फुल चार्ज हो गया, फुल चार्ज तो कितना कैमरा फुल चार्ज, चार्ज हो गया ना, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ फुल चार्ज में लेट्स सपोज कि मैं 2 में चला रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। ना ज्यादा ना कम 2। ओके। 2 में आप लाइक आराम से 3 बार सिलीगुड़ी से इधर आ जा सकते हो। ठीक है। माइलेज आपको मिल जाएगा 70-80 ऐसा मिल जाएगा। ओके, सपोज 1 चार्ज में मैं कितना कॉन्फिडेंटली कितना दूर तक जा सकता हूं? कॉन्फिडेंटली आप आराम से जा सकते हो एकदम लो गियर में। हाँ। आपका 80 और टॉप गियर पे, टॉप गियर में आपका कम हो जाता है तभी 60। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गाड़ी जो है वो बीच रास्ते में बंद हो गई? हाँ, एक्चुअली हुआ, वैसा हुआ भी है। सवाल पूछ लीजिए, वो सवाल आ जाएगा। अच्छा, लाइक जैसे बीच रास्ते में बंद हो जाता है या फिर कुछ होता है, आप क्या करते हैं उस टाइम पे? बंद हो गया था। ठीक है। लेकिन बात यह कि बंद होने जाने के बाद ना वो एकदम चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही रुक गया। ठीक है। ओके। मतलब एकदम स्लो हो गया, बहुत धीरे धीरे जाना पड़ा, मतलब कोई आपको दौड़ के भी पकड़ लेगा, इतना धीरे चल रहा था। तो वैसे मैं घर में लेकर गया इसको। मेरे कुछ और सवाल है, जैसे मान लीजिए अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं और अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई अपना डिसीजन आप चेंज कर सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, तो क्या यही लेंगे या कुछ और लेंगे? देखिए, डिसीजन लेगा तो मेरा बजट अगर सेम होगा तो मेरा यही नहीं, सब कुछ सेम है आपका। हाँ। बजट होगा तो मतलब रिग्रेट नहीं कर रहे हैं अपने डिसीजन। लेकिन अगर मैं हो सकता तो इसका ऊपर वाला मॉडल लेता मैं। अच्छा, ऊपर वाला मॉडल। लेकिन हाँ, ये एकदम अच्छा है, वर्थ इट है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये ले लीजिए। मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल से आपको इसमें क्या फायदा एक्स्ट्रा नजर आता है? मनी, मतलब ये सबसे बड़ा है कि आपका वही है ना, आप बजट के लिए इसको ले रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक में आपका बहुत सेव होता है पैसा। ओके। ठीक है, पेट्रोल के मुकाबले, मतलब पेट्रोल में आपका 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये आराम से खर्च हो जाता है, ज़्यादा ही होता है हफ्ते में। ठीक है। और मेरा इसमें एक चार्ज का कितना लगता है, लाइक 20-30? ठीक है, एक बार चार्ज के। ओके। तो मतलब हफ्ते में मेरा वो 100 रुपये का अंदर हो जाता है पूरा। अच्छा, और यहाँ पे बैटरी कहाँ पे होता है? बैटरी तो दिखा नहीं सकता, बैटरी तो इधर अंदर में है। ठीक है। अच्छा। उसका एक बैटरी नहीं है, 6 बैटरी है टोटल। ओके। 6 बैटरीज है छोटा छोटा पार्ट्स में, और ये बूट स्पेस देख सकते कितना। अच्छा, है। आप यहाँ पे बैटरी निकाल नहीं सकते? निकाल नहीं सकते, लेकिन नहीं। आपका जो कॉम्पिटिटर है, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है होंडा, राइट, जिसने पहला गाड़ी खरीदा, उसका यहाँ पे बैटरी पूरा मतलब सफिशियंट है कि दिख रहा है। एंड सपोज आप बाहर निकाल के वहाँ पे चार्जिंग पे भी घट डाल सकते हैं, जो कि इट इज कन्वीनियंट फॉर ए कस्टमर आल्सो। लाइक कितने की ली थी प्राइस? हाँ, ये प्राइस, ये प्राइस है कि 80, अराउंड 80 के, 80,000। ईएमआई वगैरह या फिर कैश? नहीं, कैश में लिया था, ऑन रोड प्राइस। तो ये बताइए ओवरऑल आप कितना देंगे इसको रेटिंग? 5 में 3-4, मतलब डिपेंडिंग ऑन पर्सनल। देखिए, मतलब अगर किसी को लेना है कि सिर्फ सिटी में चलाना है, हाईवे में चलाना है, तो वो आराम से 4 दे सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा कभी कभी मन करता है कि थोड़ा और दूर जाना है या फिर पहाड़ वहाड़ में जाना है, वो नहीं हो जाता है, वो नहीं हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं 3 दे रहा हूँ, लेकिन 4-3। अच्छा, ये बताइए कि दो लोगों के साथ बैठकर कैसा परफॉर्मेंस देती है? हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। लेकिन हाँ, वही बात है कि बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, बैटरी कम होगा तो दो लोग इज नॉट रिकमेंडेड।
मतलब चार्ज कम होगा तो दो लोग इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, दो लोगों से आराम से वो पिकअप कर लेता है फुल चार्ज में से? हाँ हाँ, आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, मतलब सवाल तो खत्म हो गया। आप में से अगर कोई एक सवाल अगर पूछना चाहे, मेरा इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है बोल सकता हूँ? हाँ, प्लीज। देखिए, मैंने आपका पहले बोला था कि ये ट्यूबलेस है, लेकिन लेट मी इन्फॉर्म यू कि ये पीछे वाला में मैंने ट्यूब लगाया है। ओके ओके, तो बात ये कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का ट्यूबलेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका नॉर्मल गैरेजेस में ना आपको वो चाका नहीं निकाल सकते आप लोग, अगर कोई पंचर वंचर हो गया तो नहीं हो सकता है। okay. उसके लिए ट्यूबलेस होता है, क्योंकि ट्यूबलेस में आप ट्यूब नहीं है तो कैसे भी हवा भर सकते हो, ठीक है, बाहर से ठीक कर सकते हो। अब ट्यूब घुसवाने से ये लॉन्गजीविटी तो बढ़ गया मेरा लिए, लेकिन वो हो जाता है कि कुछ अगर खराब हो गया ना, मेरे को गैरेज में लेके जाना पड़ता है, मतलब जहाँ से खरीदा है मैंने, शोरूम में। नॉर्मल लोकल गैरेज में ये ठीक करके नहीं देता है। ओके, और इसका गैरेज मतलब शोरूम बहुत दूर है मेरे घर से, रियली फार अवे, ठीक है, तो इसीलिए दिक्कत होता है मेरे में इसमें। ओके, बात बताइए इसका, जब हमने इतना कुछ सुन लिया इसके बारे में, ये गाड़ी मैक्स स्पीड कितना देता है आपको? इसका आपका दे देगी 50 किलोमीटर पर आवर दे देगी मैक्स, मतलब थर्ड गियर में। अच्छा, बहुत बढ़िया है ये सुन रहे हैं आप, क्योंकि एक सिटी के लिए 50 किलोमीटर काफ़ी एनफ रहता है चलने के लिए ट्रैफिक के। तो अच्छा, फिर और एक चीज़ है कि ये अब मैक्स स्पीड अब चलाते हैं मैक्स की तरफ जाते हैं, तो उस टाइम जब चलते हाई स्पीड में कभी बैलेंस का इश्यू आया है आपको? जैसे आपको लगता है कि गाड़ी, क्योंकि गाड़ी मैं पिछले पूछ रहा हूँ हल्की है थोड़ी गाड़ी, तो आपको लग रहा है गाड़ी बहक रही है या फिर एक तरफ जा रही है, ऐसा कभी फीलिंग हुआ आपको? हाँ, होता है, लेकिन वो बारिश से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मली कभी कभी हो जाता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका बहुत हल्का है ना, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हो जाता है। और अगर आप दो लोग जा रहे हो ना, तो आपका वो प्रॉब्लम होता है तभी कि जो पीछे बैठ रहा है वो अगर भारी होगा ना, तब आपका हैंडल में बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कांपती है? हाँ हाँ, हैंडल कांपता है, कांपता है। लो स्पीड में नहीं होता है, पर हाई स्पीड में होता है कि? हाँ, वो लो स्पीड हाई स्पीड में दोनों में कभी कभी होता है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने की, लेकिन आपका वो आदत हो जाएगा, वो मतलब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो संभालना पड़ेगा गाड़ी को, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, बारिश के टाइम में जब कोई चलाया, अब अभी तक कोई भी रेन के साथ कोई रिलेटेड प्रॉब्लम? रेन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट सर्किट से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट नहीं हो रहा है या कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है? तो उसमें बैटरी निकाल पाते हैं आप लोग, लेकिन उसका बूट स्पेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, और ऑब्वियसली वो अपर मॉडल है, उसमें प्राइस के हिसाब से ये मेरा आया है, ठीक है, मुझे कंप्लेन नहीं है, बैटरी नहीं निकाल पाए मुझे कंप्लेन नहीं है। अच्छा, तो अब हमने सबके आपके राय, हमारे जो यूज़र है उनका रिव्यू सुना, प्लस सारे सवालों के बाद हम आपको जानना चाहते हैं कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस जो जब अभी तक का है जर्नी आपके साथ, ये जॉन्टी का एमओ, एमओ इसका ब्रांड का नाम जॉन्टी है, राइट? नहीं, ब्रांड का नाम एमओ है, है, मॉडल का नाम जॉन्टी है। तो ये एमओ जॉन्टी का साथ जो सफ़र अभी आपने तय किया है, आपको कितना सुनहरा लगा है और कितना खट्टा लगा है? खट्टा और मीठा, बहुत ही बढ़िया इन्होंने सम अप किया है जो एक्सपीरियंस है, खट्टे और मीठे विथ प्रोज एंड कॉन्स। तो आपने इनके प्रोज भी सुन लिए क्या क्या है, और कॉन्स भी है एक दो, बट स्टिल अब ऑडियंस को ये बता दीजिए क्लियरली कि ये अगर वो लेना चाहे फ्यूचर में कि ये रिकमेंडेड है? इट इज़ रिकमेंडेड, अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, आपको अगर शहर में चलाना है जॉब या फिर कॉलेज में आना है फिर घर जाना है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये आप ये बोल सकते हैं कि ये यूथ सेंट्रिक है, जबकि देखिए आज हम ये सवाल इसलिए लेके आए कि अभी सडनली हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट सडनली बहुत बढ़ गया है, आपके कंपटीशन काफ़ी है, जैसे ओला जैसे आपको अगर बहुत एक्सपेंसिव भी है तो आपने ये जैसे एमओवी है, तो इसलिए आपको लगता है कि ये बहुत ही परफेक्ट है। हाँ हाँ, ये अफोर्डेबल रेंज में ये परफेक्ट है मैं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन हाँ आई रिकमेंड इसका ऊपर वाला मॉडल, लेकिन ये बहुत ही स्टाइलिश है, लेकिन इसका ऊपर वाला मॉडल इतना स्टाइलिश नहीं है, ठीक है, ये बहुत स्टाइलिश है, देख कलर देख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, एंड आई थिंक सो रियली रिस्पेक्टिव फॉर द टाइम, थैंक यू, और होप सो ऑडियंस को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था पूरा इस वीडियो से मिलेगा। अगर आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड ऑल्सो प्लीज़ कनेक्ट टू अस ताकि आपकी कोई क्वेरीज हो तो हम पर्सनली इसको आंसर कर सकें। प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग।